हेलो एवरीवन, यू आर ट्रूली वेलकम इन हार्टोन स्किल सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टैक्स फॉर्मूलाज। चलिए आज हम करेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। देखिए, सबसे पहले आपका फॉर्मूला है एडिशन। तो देखिए, आप एडिशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक्सेल में। देर आर सो मैनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करें तो हमेशा क्या लगाएं, इक्वल। ठीक है, इक्वल का साइन मैंडेटरी है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 + 4, ठीक है, तो भी आपको इक्वल का साइन लगाना है। या फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इक्वल सम। अब किस चीज़ का आपको सम करना है, मुझे सम करना है 2, 4, 5, ठीक है, और ब्रैकेट यहाँ से क्या कर देंगे, क्लोज। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो 2 + 4 + 5, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होगा, आपका इक्वल से। देखिए, एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो जाता है। देखिए, फंक्शन और फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला एंड फंक्शन। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और फंक्शन क्या है। देखिए, फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, फॉर्मूला इज ए एक्सप्रेशन। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कई बार रिपीट हो चुका है कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है एक्सेल में। तो फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स द वैल्यू इन ए सेल। ठीक है, फॉर्मूला क्या करेगा, फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है। देखिए, एक्सप्रेशन का मतलब होता है जैसे कि इक्वल, और आप यहाँ पे लगा सकते हो जैसे 4 + 9, फिर आपने लगा दिया -3, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर आपने कई सारे ऑपरेटर्स यूज़ किए, या फिर आप एक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। अब अलग अलग सेल में आपकी वैल्यूज़ हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, एक सिंपल एक्सप्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो, तो इसको बोलेंगे फॉर्मूला। जबकि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन आपके प्री डिफाइंड होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आपके क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एक्सेल। ठीक है, जो एक्सेल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया इक्वल सम। ठीक है, आप देख सकते हैं लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो ये क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है एक्सेल के अंदर। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको बोलते हैं फंक्शन, यानी जो इनबिल्ट होते हैं, ठीक है, उनको तो बोलेंगे फंक्शन। जिनको आप इस तरह से बनाएंगे, एक एक्सप्रेशन के थ्रू आप बनाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे फॉर्मूला। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल और आप यहाँ पे सेल का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे कि मैं इनको ऐड करना चाहता हूँ, दिस प्लस और दिस, इस तरह से। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ जाती है। तो आप सिंपल ये डेफिनेशन लिख सकते हैं और एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बात हुई आपकी फॉर्मूला एंड फंक्शन की। अब देखिए, एडिशन हम फॉर्मूला कर रहे थे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, एडिशन में सबसे पहले आपने किया कि इक्वल लगा के आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब एडिशन करने के और भी तरीके हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 5, 6, 7, ठीक है। अब देखिए, मुझे इन तीनों का सम करना है। ठीक है, या तो मैं ऐसे करूँ, इक्वल इसको सेलेक्ट किया मैंने, फिर प्लस का साइन, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस और फिर इसको सेलेक्ट किया, तो आप ऐसे भी सम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इक्वल और फिर आप डायरेक्ट वैल्यू टाइप कर सकते हैं।
देखिए ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और थर्ड आपका क्या है, इक्वल का साइन लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको टाइप करना है सम। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन शो कर रहा है, एड ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स, ने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं कोमा लगा के, 1, 2, 6, 4 इस तरह से। तो इन सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये मेथड आपका, ठीक है, आप फॉर्मूला के थ्रू करो। और एक आपका है शॉर्टकट तरीका, वो बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे इन सब का क्या करना है, सम करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक सेल एक्स्ट्रा आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ओल्ट के साथ प्लस इक्वल। तो जैसे ही आप ओल्ट के साथ प्लस इक्वल दबाएंगे, ये इनका क्या कर देगा, सम कर देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक सम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी शो करेगा। सम करने के लिए क्या करेंगे आप, ओल्ट प्लस इक्वल ऑटोमेटिकली एड ए क्विक कैलकुलेशन टू योर वर्कशीट, ठीक है। इस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। आप सिंपल इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया 25 माइनस, इस तरह से सिंपल आप माइनस का साइन लगा सकते हैं बीच में, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में आपने क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। इसके बाद आपने जैसे कि कर दिया प्लस कर दिया, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऐसे कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करना है आपको, माइनस का साइन यूज़ करना है। ऐसे ही डिवाइड, डिवाइड में आप क्या करेंगे, इक्वल, और जैसे कि आपने क्या किया, 25 को डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है, 4 से कर दिया, तो आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा आपका, देखिए इक्वल का साइन लगाना है आपको, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई का साइन और 4, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई के लिए एक्सेल में फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, इक्वल प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स गिवन एज ए आर्ग्यूमेंट। तो सिंपली आपको इसके अंदर नंबर पास करने हैं, जैसे कि 2, 4, 3। अब देखिए 2, 4 जा कितना हो गया आपका, 8, और 8, 3 जा कितना हो गया, 24। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्केयर। देखिए किसी भी नंबर को आपको स्केयर करना है, यानी कि क्यूब निकालना है, ठीक है, या फिर स्केयर निकालना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इक्वल, जैसे कि मैंने 2 की पावर दे दी, इस तरह से ये साइन यूज़ होगा आपका, जैसे 2 की पावर 2, तो कितना हो गया, 4, तो हमने इसका स्केयर निकाल लिया। ऐसे आप इसकी हेल्प से क्यूब भी निकाल सकते हो, इक्वल, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया आपने। उसके बाद आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि 5, और फिर ये साइन लगा दिया आपने और 3, तो 5 की पावर 3 कितना हो गया आपका, 125, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप। स्केयर रूट क्या होता है, देखिए स्केयर रूट, जैसे कि आपने यहाँ पे स्केयर रूट का आपको एक बार बता देता हूँ मैं, देखिए कुछ इस तरह से आप करते थे, स्केयर रूट निकालते थे, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी नंबर पास कर दिया 25, तो इसका स्केयर रूट क्या होगा, इसका स्केयर रूट होगा 5, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले के थ्रू कैसे करेंगे, ये देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लगाना है SQRT, ठीक है, और यहाँ पे नंबर पास कर देना है, किसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे मुझे 125 का निकालना है, तो इसका क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। अगर इसकी जगह पे मैं पास कर देता 625, तो 625 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 25, ठीक है। अगर आप 25 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप स्केयर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका मैक्स मिनिमम। अब देखिए आपके सामने इतने सारे नंबर्स हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 125, लेकिन हमें फॉर्मूले के थ्रू चेक करना है, इक्वल मैक्स, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस तरह से
माउस की हेल्प से सिलेक्ट कर लिया। तो जितनी भी रेंज आपने सिलेक्ट किया उसके अंदर जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका आंसर में आ जाएगा। तो 125 आपका क्या है, बड़ा नंबर। अब इस रेंज में मैं एक नया नंबर और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 600, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 600। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर जो भी बड़ा नंबर होगा वो शो होगा। मैक्स का मतलब सबसे बड़ा और मिनिमम का मतलब सबसे छोटा। तो सिंपल आपको इक्वल MIN टाइप करना है और इस तरह से रेंज को सिलेक्ट करना है। अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, मैक्स बड़ा नंबर देखने के लिए और मिनिमम छोटा नंबर। उसके बाद आपका काउंट, काउंट ए, देखिए इनको आप कैसे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले ली यहाँ पे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है, और एक नंबर मैं बीच में से क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल काउंट। तो देखिए ये क्या काउंट करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट कंटेन्स नंबर, यानी उसके अंदर सिर्फ नंबर होने चाहिए। तो आपने इसको सिलेक्ट किया इस रेंज को यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 4, यानी कि ये 2 और 2, 4। अब मैं यहाँ पे कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे कि D टाइप कर दिया, तो ये इसको काउंट नहीं करेगा क्योंकि काउंट फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें काउंट A की, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल काउंट A। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, यानी आपकी जो सेल है वो एम्प्टी ना हो, बाकी सभी को काउंट करेगा। देखिए इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, अब देखिए इसके अंदर नंबर्स कितने हैं, 4 हैं, और डी क्या है, ये देखिए सेल आपकी एम्प्टी नहीं है, तो ये सभी को काउंट कर लेगा, यानी टोटल जो है आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसने इसको भी काउंट कर लिया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, अब आपकी सेल क्या होगी, ब्लैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 2, 4, ठीक है, तो इसने काउंट कर लिया। ये क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन नहीं, पर दोबारा देखिए, देखिए डेफिनेशन में लिखा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। देखिए इनकी डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, और देखिए और आपके जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, मैक्स है, मिनिमम है, और काउंट के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो 30 मार्क्स का होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैक्स और मिनिमम तो काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसके अंदर आपको मैं वो सभी फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा जिस जो आपके ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और स्पेशली जो 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक्सेल का 100% एक क्वेश्चन आता है 30 मार्क्स में, ठीक है, सेक्शन सी में, तो उसके अंदर आपके फॉर्मूलाज आते हैं, वो सभी हम एक वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और देखिए अकाउंट ए हो गया आपका, नेक्स्ट आपका काउंट ब्लैंक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन ए स्पेसिफाइड रेंज, यानी आप जो रेंज सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आपकी जो सेल एम्प्टी है ये सिर्फ उसी को काउंट करेगा। देखिए आपकी जो रेंज है उसके अंदर कितनी सेल एम्प्टी हैं, एक ही एम्प्टी है, तो आंसर क्या आया, 1। अब जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये एम्प्टी हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, तो ये थे आपके बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो लास्ट वीडियोस में हमने किया था टेक्स्ट फॉर्मूलाज वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उसका लिंक आप वो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।